राहुल द्रविड़ की होगी छुट्टी तय। साथ ही साथ आपको बता दें कि बेसबॉल अप्रोच वाला बनेगा टीम इंडिया का नया हेड कोच। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हारने के बाद भारतीय फैंस काफी ज्यादा आक्रोश में हैं और उनका मानना है कि जो कोच राहुल द्रविड़ हैं इन्हें बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़ को हेड कोच से हटाने की भी मांग हो रही है। राहुल द्रविड़ के बाद बेसबॉल अप्रोच वाले वीरेंद्र सहवाग को भारतीय टेस्ट टीम का हेड कोच बनाया जा सकता है, क्योंकि इंग्लैंड ने भी टेस्ट टीम में हेड कोच की जिम्मेदारी बेसबॉल अप्रोच रखने वाले ब्रेंडन मैकलम को दिया है और यही कारण है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वीरेंद्र सहवाग भी भारतीय टेस्ट टीम के अगले हेड कोच बन सकते हैं। बीसीसीआई अब काफी हद तक बेसबॉल अप्रोच वाले व्यक्ति को भारतीय टेस्ट टीम के कोच के रूप में देख रही है। बेसबॉल अप्रोच के मामले में वीरेंद्र सहवाग जैसे खिलाड़ी सबसे आगे हैं। ऐसे में काफी हद तक चांस है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बाद भारतीय टेस्ट टीम के हेड कोच की पद राहुल द्रविड़ को बीसीसीआई हटा सकती है और उनकी जगह भारतीय टेस्ट टीम के हेड कोच की बात करें तो वीरेंद्र सहवाग को जिम्मेदारी दे सकती है। हालांकि इस विषय में अभी भी आधिकारिक तौर पर कोई भी जानकारी नहीं आई है सामने। आईपीएल में भी सहवाग कर चुके हैं वैसे कोचिंग। जी हाँ, वीरेंद्र सहवाग अपने जमाने में बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं। इसके अलावा उनके पास आईपीएल में कोचिंग करने का भी अनुभव है। जी हाँ, वीरेंद्र सहवाग ने इंडियन प्रीमियर लीग 2017 में किंग्स इलेवन पंजाब, जो फिलहाल पंजाब किंग्स है, इसकी कोचिंग कर चुके हैं और 14 मैच में 7 मुकाबले जिताए भी हैं। वैसे दोस्तों, आपके क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा और आगे बिल्कुल देखना होगा कि वीरेंद्र सहवाग या फिर कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो हेड कोच के रूप में यहाँ पे नियुक्त किया जाता है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिएगा और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।